गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा जनसेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला वृद्धों की सेवा अन्नदान वस्त्रदान यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। देव सम्मानित गौमाता का पालन पोषण बड़े ही श्रद्धालु भाव से चल रहा है। लोभ और लालच के कारण गौमाता को बेचने वाले और काटने वाले अधर्मी दानवों से बचाकर उनकी सेवा निरंतर की जा रही है। एक गौमाता के लिए एक वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपये, 5 गौमाता का 51,000 रुपये, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपये धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपये की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपये देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। गुरुजी द्वारा चल रहे अनुष्ठान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें आप सभी दानदाताओं के सहयोग की आवश्यकता है। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स IDBI बैंक मेहरून ब्रांच जलगांव, अकाउंट नंबर 5721040001890, IFC कोड IBKL00000572, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महाबल ब्रांच जलगांव, अकाउंट नंबर 3441223824, IFC कोड SBIN00150063, चेक या डिमांड ड्राफ्ट क्रांतिकारी राष्ट्र संत इंद्रदेव जी राधा रास बिहारी बहुद्देशीय संस्था जलगांव इस नाम से बनाए और आश्रम के पते पर भेजे। हमारा पता है परम पूज्य संत श्री इंद्रदेव जी महाराज आश्रम, नेशनल हाईवे नंबर 6, सावखेड़ा होल, तहसील पारोला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र, पिन कोड 425109। हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202, +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com। जगाने वाला हरि नाम यही हरि
दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल भगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो, राधारानी की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। बैठ जाए। आप सभी भक्त लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थी दिवस में आज आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। जन कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण हेतु गुरुजी द्वारा बहुत ही कठिन परिश्रम, दिन रात की मेहनत तथा आपके अतुलनीय सहयोग से गुरुजी ने एक दिव्य आश्रम की रचना की है, जिसमें निर्मित गौशाला के बारे में एवं गौमाता के महत्व के बारे में हमने आपको बताया था। आज मैं आपको वृद्धाश्रम के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा दीन दुखी असहाय लोगों के सहारे के लिए एवं वृद्ध माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें लगभग 200 वृद्ध लोग एक साथ रह सकते हैं। इस पुण्य कार्य में दिन रात दानदाताओं ने जो सहयोग किया है, उनका हम आश्रमवासी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ईश्वर उनका कल्याण करे एवं उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। यहाँ अधिकतर ऐसे वृद्ध लोग रहते हैं जिनके अपने बेटों ने उन्हें छोड़ दिया है और घर से बाहर निकाल दिया है।
मेरे भाई और बहनों, अगर दो कुएं सात कुओं को भर सकते हैं, लेकिन सात कुएं दो कुएं को नहीं भर सकते। कहने का मतलब है, अगर बेटा सात हो तो दो माँ बाप उन सातों बेटों का पेट भर सकते हैं, लेकिन सात बेटा होकर भी माँ बाप का पेट नहीं भर सकते। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी अपने धर्म के बेटे बनकर उनकी निरंतर सेवा कर रहे हैं और उन्हें वो खुशियां वस्तुएं प्रदान कराते हैं जो जिनके सगे बेटे भी नहीं करा सकते। ऐसे अनेक व्रतों जहां ऐसे धार्मिक कार्य सेवा योग चलाए जा रहे हैं, वहां हमें सेवा प्रदान अवश्य करनी चाहिए। यहां बैठे हुए बेटा बेटी कुछ ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए वृद्धाश्रम में सेवा देने योग्य, इससे महत्वपूर्ण पवित्र सत्कर्म कहीं प्राप्त नहीं होगा। परम पूज्य आदरणीय हमारे गुरुजी जो दिन रात मेहनत एवं परिश्रम करके उनकी सेवा निरंतर कर रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, जिसमें कई प्रकार के ऐसे संकल्प भी चलाए जा रहे हैं और प्रकल्प भी हो रहे हैं, जैसे नित्य हवन होता है, यज्ञ से बहुत ऐसी चीजें हैं जो अपने मन विचार सब शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार से बहुत ही लोगों के रोग भी दूर होते हैं। यज्ञ भी मनुष्य को प्रतिदिन रोज करना चाहिए और माँ बाप की सेवा तो हर समय ही करनी चाहिए। जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की है उनके घर में तो स्वर्ग ही उत्पन्न हो गया है। अब मैं उन दानदाताओं के नाम बोले जा रहा हूं जिन्होंने गोदान दिया है। ज्ञानदेव गया काट कर 1,000 रुपया गोदान देते हैं। श्रीमती लीलावती उत्तम राव चौधरी 1100 रुपये गोदान देते हैं। सुनंदा बाबू राव गायकवाड़ 501 रुपया गोदान देते हैं। महेंद्र हरिभाव पाटिल 501 रुपया देते हैं। चंदन महेंद्र पाटिल 1001 रुपया गोदान देते हैं। मुरलीधर बावड़ येवले बाणी 501 रुपया गोदान देते हैं। श्रीमती सुलोचना मधुकर अमृतकर 1101 रुपया गोदान देती है। छाया रविंद्र कुलकर्णी 1100 रुपया गोदान दिया है। रवीना राठौर 501 रुपया गोदान दिया है। अशोक नारायण चौधरी 501 रुपया 1100 रुपये गोदान दिया है। इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां। इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो हमारे देश की संस्कृति बची रहेगी, यानी हमारे देश में जो दुर्विचार हो रहे हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली है वो तो स्वर्ग के भागी हो ही गए हैं, लेकिन गौ माता की भी सेवा करना आवश्यक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हाथ बढ़ाओ। और एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं, कल सुबह 7 बजे से दीक्षा आरंभ होने जा रही है। जो भक्त गुरु मंत्र लेना चाहते हैं वो कल सुबह उद्धव राव धनंजी महाजन जी के निवास स्थान पर आए। इनके स्थान का नाम है स्नेह गीता वैभव मंगल कार्यालय जबल बड़गांव रोड 40 गांव।
इधर आके सुबह दीक्षित यानी गुरु मंत्र ले सकते हैं। धनंजय दत्तात्रेय बाड़ी 501 रुपया गोदान दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां। अब गुरु जी के श्री चरणों की ओर चलते हैं। जय जय श्री राधेश। अब सब सीधे बैठ जाइए। श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। मात्र पितृ कुल आचार्यो नमः। प्राणतो नमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। यैशेयस्य द्युपदस्य तुष्पदाः कस्मै देवाः विशाविदेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रणाम कर लें संध्या वेला में। तुम कण कण में समाये हुए और प्रभु तुम में जगत समाया है। दिन का हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।
सबके सच्चे पिता तुम ही हो, सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो, तुम ही जग की माता हो, भाई बंधु सखा सहायक, भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो, प्रभु रक्षक पोषक दाता हो, रक्षक पोषक दाता हो, प्रभु रक्षक पोषक दाता हो, रक्षक पोषक दाता हो, प्रभु रक्षक पोषक दाता हो, चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके पालनहारा हो, सबके पालनहारा हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, सच्चिदानंद परब्रह्म अधिश्वेता ओंकार निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी अजन्मा अनंत दया सागर प्रेम अमृत सुधा संग्रत भगवान नारायण और सभी देवता सब आप महापुरुष मात्र शक्ति छोटे कर्णधार बच्चों श्रीमद् भागवत कथा आयोजक यजमान और उनके सभी सहयोगी जन सबका अभिनंदन स्वागत वंदन श्री राधे सतगुरुदेव भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय भागवत महापुराण की सतगुरुदेव भगवान की जय पार्वती पते हर हर महा बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो श्री राधा रानी की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे में लग रही हवा उसकी ज्यादा आपको लग रही आज श्रीमद् भागवत कथा का वो प्रमुख दिन है जिसमें हम लोग बड़ी अंदर से तैयारी करके कथा में प्रवेश करते हैं और आज उस आनंद को सब बटोर के हमेशा के लिए आनंद का स्रोत अपने जीवन में शुभ मंगल करेंगे शुरुआत करेंगे एक बढ़िया सा मंत्र मैंने आज गाया है उसकी व्याख्या करके कथा सुनाऊंगा आपको प्राण तो न मिशतो महित वही कैद्रा जा जगतो बबुबह यत्काह मस्ते जुहु मस्तन्नो अस्तु वयम् श्याम पतयोरैणाम् प्रवचन में चलते चलते कभी कभी हम लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान सबका पति है उस समय हम कोई बहुत प्रमाण नहीं देते वेद और शास्त्रों के
आज हम पहले प्रमाण देंगे और बाद में फिर आपको पति परमेश्वर की कथा भी सुनाएंगे। ये वेद मंत्र स्तुति का मंत्र है, उपासना मंत्र, यानी इसमें भगवान की उपासना भी है मंत्र में और भगवान की स्तुति है, भगवान के गुणों की व्याख्या है, प्रशंसा। प्राणतो नमिष्यतो महित्वई कैद्रा जा जगतो बभूवः। मंत्र का मतलब है समस्त प्राणी मात्र का जगत बबुवा, जिसके द्वारा जगत हो रहा है। अब जगत किसके द्वारा हो रहा है? दो प्रकार से कथा सुने, एक सामान्य जगत है और एक असाधारण जगत है, और जो असाधारण है वही सत्य है और जो सामान्य जगत है वो असत्य है, झूठ है। और यह ये कहो कि सार रहित है, अर्थ रहित है। अभी जैसे ये सब लोग लुगाइयां बैठे, आप पुरुष स्त्रियां बैठे, तो कई पुरुष ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये मेरी पत्नी है, और कई पत्नियां भी कह सकती हैं कि ये मेरा ही पति है। इसको कहा ये सार रहित संसार है, मिथ्या संसार जिसे कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम। और एक जो संसार है वो कौन सा है? ये मंत्र वाला एक संसार है जो बहुत प्रामाणिक है और जो वही सत्य है। प्राण तो नमिष्यतो महित्वई कैज्द्राजा जगतो बभुवः। महित्वई का मतलब होता है महत्वपूर्ण, विशेष, आवश्यक, सत्य, दृढ़, निश्चय, निश्चल, इतने अर्थ है इसके महत्वई के। और सरल करते हैं, और सरल यह है कि जिसका महत्व है संसार में वो जगत नियंता, जगत पालनहार, जगत का जनन करने वाला, बभुवः प्राण तो प्राणों का, और आगे है यही से अश्य द्युपदस्य तुष्पदः। आगे मंत्र कहता है कि दो पैर वाले, चार पैर वाले, सौ पैर वाले, बिना पैर वाले, जो सृष्टि है, जो दुनिया है, जीव है, प्राणी है, जड़ और चेतन, सबका सृजन करने वाला एक ही है। और वो कौन है? श्याम पतयो रईणाम, श्याम पतयो रईणाम। कल भी देखो ना आया था, आज भी ना आया है, श्याम पतयो रईणाम। रईणा का मतलब होता है अविनाशी संसार। रईणाम जिसका कभी विनाश नहीं है, जिस मंगल का, भूमंडल कहो, मंडल कहो और संसार कहो, आपको जो कहना कह लो, जिसका कभी विनाश नहीं है वो रईणाम, श्याम पतयो। और वो श्याम वर्ण, आकाश वर्ण, व्यापकता जिसमें है वही पति स्तुति करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, अर्चनीय है, वंदनीय है, स्वीकरणीय है, आचरणीय है, अनुकरणीय है, उसका ही हम ध्यान धरें। अब यहां व्याख्यान को मैं अपनी तरीके से आपको सुनाना चाहता हूं। ये वेद का हो गया, और इस वेद को ही हमारे तरीके से हमें निर्धारित करना है, पर वेद के सिद्धांत को छू छू कर व्याख्यान करना चाहिए विद्वान को, पंडित को। सारी बातें अपनी नहीं कहना, अपनी कहो पर वेद को छू के चलते रहो। कमजोर बालक, कमजोर पैर वाला बूढ़ा व्यक्ति दीवाल पकड़कर चलता है तो चलता रहता है,
ऐसे ही जो विद्वान हैं, पंडित हैं, व्याख्याकार हैं, प्रवचनकार हैं, कथाकार हैं, जो शास्त्र वेद बस इनका सहारा लेके चलते हैं तो ही वो कथाकार चलते रहेंगे, और जिन्होंने वेद शास्त्र का सहारा छोड़ दिया, अपनी ही बातें बना बना के बोलने लगे तो एक दिन गाड़ी रुक जाएगी, विश्राम हो जाएगा, विराम। लोग कहेंगे क्या है बार बार वही सुनाता, कहीं भी सुन लो, इसके पास तो वही है। जो छूकर नहीं चलते भगवान को, भगवान की व्यवस्था को, सत्य को, लोग फिर उनके लिए कहने लग जाते वही सुनाते बार बार। और जो शास्त्र को, भगवान को छूके चलता है, लोगों की तो औकात ही नहीं है, स्वयं भगवान भी ये नहीं कह सकते कि इसने वही सुना दिया, क्योंकि भगवान को टच कर लो, भगवान को स्पर्श कर लो। स्पर्शम गतम गते पुण्यान पंथा, भगवान का स्पर्श ही हमारे पथ का, मार्ग का, हमारी मंजिल का, हमारे सफर का साथी है। उसका स्पर्श ही हमारे जीवन का सुख है। उसका स्पर्श, संसर्ग, संगति, संवेदन, संभोत, संभोगत, ये सब भगवान का साथ करना किसी भी प्रकार से हमारे जीवन की उन्नति है, सफलता है, सहजता है, नियोजन है, जीवन का लक्ष्य है, उपलब्धि है, आधार है, अस्तित्व है, महत्व है। इसलिए मंत्र को फिर से, प्राण तो नमिषतो महित्व कैद्रा जा जगतो बहुव, गायत्री मंत्र में भी ये शब्द आता है, भुव बभुव, ब माने वही और बुवह माने प्राण, प्रिय, प्राणों से भी प्रिय। अगर इस जगत में कोई है तो वो ईश्वर है, परमात्मा है, प्राण प्रदाता, संकट हरता, प्राण रक्षक। और प्राण प्रदाता, प्राण रक्षक जो है वही प्रिय है। किसके? संबंध के अनुकूल है, उससे संबंध जोड़ें। जो झूठे हैं उनसे झूठा ही संबंध रखें, जो सच्चे हैं उनसे सच्चा रखें। कैसा रखें? आप रखते ही, जो लोग रिश्तेदार वफादार रहते हैं आप उनको ज्यादा मानते हैं, और जो रिश्तेदार टाइम पास रहते हैं आप भी टाइम पास मानते हैं उनको, आपका दिल भी वही मानता है। ऐसा व्यवहार भगवान से भी करें, जन्मदाता से भी व्यवहार वैसा ही करें। एक जन्मदाता यही है जो नश्वर है, तुच्छ है, अस्तित्वहीन है, मतलब ही नहीं है, सारहीन, अर्थहीन, गौरवहीन, एक तो यही जन्मदाता है। कह सकता है कोई कि ये मेरे पिताजी हैं, और है नहीं वो पिताजी, पर ये नश्वर अर्थहीन संसार में किसी को भी आप अपना पिता कह सकते हैं, चालू चालू, है या नहीं है वो बात ही नहीं है। माँ किसी को भी आप कह सकते हैं, माँ को दुनिया की किसी भी औरत को अच्छा लगता है अगर कोई उसे माँ का दर्जा प्रदान करे, और ब्रह्मांड के किसी भी पुरुष को बहुत भाएगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई उसे पिता स्वीकार कर ले, क्योंकि दोनों जो नाम है बड़ी प्रतिष्ठा के नाम, सम्मान के, गर्व के, और विशेष इनमें श्रृंगार है, मानवीयता है। नारद जी गार्गी और मैत्रेय को क्या कहते हैं, अब वो कथा सुनते चलिए। नारद जी ने सुंदर सा एक प्रसंग मैत्री ऋषि को सुनाया, गार्गी पत्नी के साथ में। अकेले आदमी को सुनाना बहुत कठिन नहीं है, पर किसी संवाद को सुनने के लिए दो लोग बैठे हों तो थोड़ा सा संभल के सुनाना होगा, कठिन सा है, क्योंकि दो लोगों के बीच की जो बात है ना वो उड़ती है, इसलिए संभल के सुनाना है। आप तो हजारों में बैठे, पर नारद जी के पास में दो लोग बैठे हैं, सुखदेव जी के पास में एक ही आदमी है, सूत जी के पास में हजारों बैठे, तो संभल के, जैसे पब्लिक जितनी है वैसे संभल के सुनाओ, बात उड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव होता है बात को श्रृंगार करके गड़ा बढ़ा कर बोलता है, ज्यों की त्यों तो खाली कैसेट रिकॉर्डिंग बोल सकती है, आदमी नहीं बोल सकता ज्यों की त्यों।
हस्तिनापुर की कथा सुनाई, और हस्तिनापुर की कथा कैसे सुनाई सुनिए। राजा परीक्षित का जन्म जो है हस्तिनापुर में हुआ, तो जन्म के कारण बताए। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। और वो जन्म कैसा है परीक्षित का, जिसमें भागवत में ऐसे कुछ श्लोक हैं, उसमें कहा गया है कि स्वयं भगवान विष्णु, भगवान द्वारिकाधीश, उत्तरा के गर्भ में बच्चा बनकर, बालक बनकर प्रवेश कर गए। अधिष्ठान गुष्ठो त्वया प्राण सुतो नाम, श्रीमद् भागवत कथा का यह श्लोक कहता है कि भगवान नारायण ने, भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अंगूठे जैसा आकार बना लिया, अंगूठे के समान आकार बनाकर प्राणों के द्वारा अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के। क्यों कर गए? क्योंकि उत्तरा ने भगवान को याद किया था, और उत्तरा ने याद क्यों किया था, क्योंकि उत्तरा को इस बात का ज्ञान अभिमन्यु ने दिया था, और अभिमन्यु ने ज्ञान कहां से लिया था, तो कहा अर्जुन से। अर्जुन ने कहां से लिया, तो कहा गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक से। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से पूछा, पिताजी आपको भगवान ने गीता सुनाई है? मैंने पूरे 776 श्लोक सुने, 18 अध्याय सुने, पर मुझे याद थोड़ी। और ये बिल्कुल सही है, कोई हमें कोई कंटिन्यू सुनाता जाए हम क्या क्या याद रखेंगे। इतने सारे श्लोकों का व्याख्यान सुनाया, 776 श्लोकों का व्याख्यान। अर्जुन ने कहा मुझे 9वें अध्याय का 31वां जो श्लोक है उसके पीछे के 2 शब्द याद है, वो मैं तुझे बताना चाहता हूं। प्रमुख है वो, अधीरताम ताप दोषो सुहान निवृत्ति, अधीरताम ताप दोषो सुहान निवृत्ति, तदो सुखम योग कृष्णाय वंदे। ए पुत्र अभिमन्यु, गीता के 9वें अध्याय का ये श्लोक कहता है कि जब कभी हम विपत्ति में पड़े, संकट में पड़े, कोई अपना न दिखे, उस समय भगवान श्याम सुंदर को ही, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को, विष्णु को, हरि को, पालनहार प्राणप्रिय परमात्मा को, जन्मदाता को, और जिसका महत्व है, अस्तित्व है, उसका ध्यान करें। यही बात अपनी पत्नी को, उत्तरा को अभिमन्यु ने कही, और आज आवश्यकता पड़ने पर उत्तरा ने इसी श्लोक के ज्ञान को स्मरण किया, और उसी स्मृति से गीता का श्लोक सत्य हुआ। भगवान पधारे और अंगूठे का रूप बनाकर नाक से प्रवेश हो गए। अनुलोम विलोम जो करते हैं ना प्राणायाम, उसमें अंगूठा लगता है। प्राणायाम के माध्यम से भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और बालक बनकर, पुत्र बनकर कहा उत्तरा को, हे गर्भिणी तया पुत्रो शभेषितम मात्रो योग समक्षः, तुमने जिस भावना से मुझे भजा है उस भावना की वजह से मैं तुम्हें मां स्वीकार करता हूं, अन्यथा तुम मेरी पुत्री के समान हो। ये भगवान कहते हैं उत्तरा को। उत्तरा के पेट में भगवान पुत्री भी कह दिया, मां कह दिया, और प्रवेश कर गए, और सुदर्शन चक्र निकालकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं। और एक तरफ व्याख्यान में विद्वानों ने कहा कि परीक्षित तो मर गया था, बस मां की ममता न मर जाए, इसलिए भगवान पुत्र बनकर, परीक्षित बनकर बैठ गए। और एक बार भगवान किसी के पेट में पुत्र बनकर बैठ जाए फिर उसका विनाश संभव नहीं है, इसीलिए अश्वत्थामा का जो बाण था वो वापिस चला गया, ब्रह्मास्त्र, और परीक्षित का रक्षण हुआ।
यहां पर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं महाभारत के आई हैं। अश्वत्थामा ने यह दूसरा प्रहार किया घात छल से। पहला तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्रों का वध किया था, बाल हत्या जिसे कहते हैं, और ये प्रतिशोध की भावना से सब महाभारत हो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसे दुशाहस काम कर रहा है। और याद रखिए, ये सृष्टि में मृत्यु का बदला नहीं ले सकता कोई, निमित्त बन सकते हैं आप काल के, मरण के, किसी की हत्या के, पर बदला नहीं होता मृत्यु का, क्योंकि जन्म और मरण तो भगवान के हाथ में है। अश्वत्थामा मूर्ख हो गया, असत्य मार्ग का अश्वत्थामा ने चयन किया। और जब पांच पुत्र द्रौपदी के समाप्त किए गए, उस समय भीम अर्जुन ने अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया, तो भगवान ने क्षमा करवाया, न गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र की एक गलती क्षमा योग्य होती है, क्षमा कर दो। अर्जुन नहीं मानते, भीम नहीं मानते, तो अश्वत्थामा के माथे पर मणि विराजमान थी। मणि का मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा, तेज, पहचान। तो दो प्रकार का मरण बताया भागवत में, एक मरण ऐसा है जो शरीर से नष्ट हो जाता है, और एक मृत्यु ऐसी है कि शरीर रहता है, आदमी सम्मान से खत्म हो जाता है। तो भगवान ने बड़ी युक्ति से, बुद्धि से अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, उसका यश, कीर्ति, वैभव माथे से खींच लिया। कहने का मतलब भाग्यहीन कर दिया उसको, ये दंड है उसका। और भागवत कहती है, जो आदमी प्रतिशोध की भावना में जीता है वो भाग्य ही नहीं हो जाता है, उसके भाग्य फूट जाते हैं। प्रतिशोध आदमी के भाग्य को खत्म करता है, उसे कमजोर बनाता है। आज अश्वत्थामा ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने की कोशिश की, तो अश्वत्थामा की मणि चली गई, ऐश्वर्य चला गया, सम्मान चला गया, और मणि खींचकर, वस्त्र निकालकर उसे घर से छोड़ दिया। बस यही सबसे बड़ा उसका अपमान हुआ, मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया, वहां भगवान ने आकर के प्रहार को बचाया, परीक्षित का फिर जन्म हुआ। यहां एक और कथा बड़ी सुंदर है, भीष्म पितामह की। यहां दूसरी कथा महाभारत की भागवत में बहुत सुंदर है, पांडवों के विरह की, पांडवों के ग्रह त्याग की। सारी कथाएं जो है ऐसी सुनने योग्य हैं। भीष्म का संशय दूर किया भगवान कृष्ण ने। मान लो भीष्म बाणों की शैया पे पड़े और उनके मन में संशय है कि मृत्यु ऐसी क्यों हुई, भगवान ने आकर के भीष्म पितामह की शैया पर उनका संशय दूर किया। और देखिए, सुनने जैसी बात यह है कि गीता का जो अध्याय नौवा, उसका जो श्लोक मैंने कहा, यह सबके काम आ रहा है। भीष्म ने भी इसी श्लोक से प्रार्थना की भगवान की। आइए, भीष्म का अंतिम समय है, दुख का समय, और उस समय में भीष्म के पास में जब संशय ने घेर लिया, भीष्म को गति जब दुर्गति में बदल रही है, भीष्म की मृत्यु आ नहीं रही है,
जी पा नहीं रहा है, मर भी नहीं पा रहा है, ऐसी दुविधा में भीष्म पड़े और उसी अवस्था में भगवान को याद किया गया, भगवान पधारे। भीष्म की यहां बड़ी सुंदर सी बात यह थी, कहा जा छुपे हो ओ श्याम प्यारे, भीष्म पितामह ने जब ये बात कही, देखो मंत्र क्या कहता है, ये मंत्र जो मैंने बोला है उसके ऊपर पूरी कथा घूम रही है। श्याम पतयो रईणम, और यहां श्याम शब्द देखो भागवत में, भीष्म ने भी श्याम कहा, केशव कहा, केशव का मतलब भी वही है, कृष्ण वर्ण युक्त केशवम, आकाश वर्ण जिनका है। आकाश वर्ण का मतलब ये नहीं होता है नीला कलर, आकाश वर्ण का मतलब होता है विराट, आकाश की कोई माप नहीं है, तोल नहीं है। आकाश का मतलब होता है अवकाश, खाली स्थान, और सृष्टि में कितना खाली स्थान है उसका कोई मीटर नाप नहीं सकता किसी भी स्थिति में, ऐसे भगवान को कोई माप नहीं सकता है, इसलिए भगवान को आकाशविद कहा, केशव। कई में कृत धातु है, कृत धातु का मतलब होता है क्रिया करने वाला, इसलिए भगवान का नाम है केशव। सवई गति कृतम केशवम, जो समस्त क्रियाओं का अधिपति है इसलिए वो केशव है। हे केशव श्याम, कहां जा चुपे हो, हो श्याम प्यारे। भगवान पधार गए भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह का संशय दूर किया, कहने का मतलब यहां कहा गया है शब्दो विधार शुक्तम न पवसका, यहां भगवान श्याम सुंदर ने भीष्म पितामह को 7 घंटे निरंतर प्रवचन किया मृत्यु के शैया पर। बहनों भाइयों, भीष्म पितामह को जो प्रवचन किया है वो हर एक मरने वाले को सुनना चाहिए। आदमी कितना भी पापी क्यों ना हो, भीष्म पापी था इसलिए ऐसी मृत्यु में गया। पाप कितने किए, तो का एक ही पाप किया था, एक ही पाप का बड़ा परिणाम, और ये भोगना पड़ता है, क्योंकि जो लोग बिल्कुल रेलवे के किनारे पटरी के किनारे बंगला बना के रहते हैं उनको रेल तकलीफ नहीं देती है, और जो लोग कभी कभी रेलवे पे जाके सो जाते हैं उनको बड़ी तकलीफ है रेल की। जिनके मकान रोड के पास है उन्हें आदत हो जाती है गाड़ियों की, हॉर्न की, इसकी उसकी, और जो लोग शांति में जीते हैं वो कभी कभी ऐसे घर में आ जाएं जहां गाड़ियों का आना जाना है तो वो रात भर नहीं सोते। और कई लोग तो हमें भुसावल में कई लोगों ने कहा, रेलवे के कर्मचारी थे, वो लोग कहते गुरु जी कभी कभी भूल से भी हड़ताल हो जाती है रेलवे की तो हमें नींद नहीं आती है, रेल नहीं आई, धड़ाधुड़ नहीं हुई तो हमें नींद नहीं आती है। हमने कहा बात तो सही है, क्योंकि कभी कभी कोई बच्चा नहीं सोता है तो माँ उसके कान के ऊपर या गाल पे और माथे पे मिला करके ऐसे करती रहती, ठोकती रहती उसको, तो हमने कहा ये कभी कभी ठोकने से भी नींद आती है किसी किसी को। हमने माओं को बच्चे को सुलाते देखा है, यानी बिना थके बिना रुके बिना टोके रोके उसे दब 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 करती रहती है और उसे सुला देती है, उसे सोना पड़ता है, आदत हो जाती है बच्चे को, फिर अब वो उस तरह से रोज पीटने वाला होना तो ही बच्चा सोता है, ऐसे आदत हो गई। भीष्म को आदत नहीं थी अपराध की, इसलिए भीष्म को बड़ा परिणाम भोगना पड़ा उसका। प्यारे बहनों भाइयों, कहने का मतलब है जिन्हें आवाज की आदत नहीं है वो आवाज में सुखी नहीं रहते। भीष्म को पाप की आदत नहीं थी इसलिए एक ही पाप से भीष्म परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। कई लोगों को पापों की आदत हो जाती है, उन्हें चैन नहीं पड़ता, बिना बुराई किए बिना पाप किए दुष्टता किए और उन्हें आदत हो गई। भीष्म को आदत नहीं थी, और आदत नहीं थी इसीलिए भगवान पहुंचे। जिन्हें आदत हो गई है